वंडरस्लेट में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो विवरण में दिया गया है। आज का क्विज विषय है 21st of March 2019 करंट अफेयर्स पार्ट 2 हिंदी। क्वेश्चन नंबर 1। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 कोड के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी ट्राई, ऑप्शन डी सेबी। सही जवाब है ऑप्शन डी सेबी। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। IBBI और सेबी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 कोड और इसके संबंध नियमों और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन की तलाश करते हैं, जिन्होंने ऋण इक्विटी संबंध को फिर से परिभाषित किया है और इसका उद्देश्य उद्यमिता और ऋण बाजार को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 2। व्यायाम मित्र शक्ति प्रतिवर्ष भारत और डॉट की सेनाओं के बीच सैन्य कूटनीति और बातचीत के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका। व्यायाम मित्र शक्ति प्रतिवर्ष भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच सैन्य कूटनीति और बातचीत के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2018-19 के लिए संयुक्त अभ्यास श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए iHelp पहल शुरू की गई है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। सही जवाब है ऑप्शन सी असम। असम में डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए iHelp पहल आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर शुरू की गई है। यह असम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO और कॉमन सर्विस सेंटर CSC के कार्यालय की एक संयुक्त पहल है। क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने सत्ता में लगभग 30 वर्षों के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की है। वह डॉट के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए नामीबिया, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन डी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने सत्ता में करीब 30 साल बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की है। 78 वर्षीय नेता ने 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के पतन से उभरने के बाद से देश पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय पत्रकार लेखक और द वायर के प्रमुख का नाम बताइए, जिन्होंने अपनी पहली पुस्तक प्रथम प्रवेश फेरथिस्ट फील्ड एन इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए $1,65,000 का प्रतिष्ठित विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ऑप्शन ए निमिष बांगर, ऑप्शन बी अनुराग माकड़, ऑप्शन सी रघु कर्नाड, ऑप्शन डी सुदेश सिंह। सही जवाब है ऑप्शन सी रघु कर्नाड। एक भारतीय पत्रकार लेखक और द वायर के प्रमुख रघु कर्नाड को उनकी पहली पुस्तक सबसे दूर का क्षेत्र एक भारतीय कहानी का दूसरा विश्व युद्ध के लिए $1,65,000 का प्रतिष्ठित विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार मिला, जो वर्ष 2015 में प्रकाशित हुआ था। गैर काल्पनिक श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 6।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर इपग ने हाल ही में छात्रों का परीक्षा दबाव कम करने के लिए डॉट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। ऑप्शन ए, परीक्षा लें तनाव नहीं। ऑप्शन बी, विजय परीक्षा एक योद्धा बने। ऑप्शन सी, परीक्षा दृष्टिकोण उच्च जोश। ऑप्शन डी, परीक्षा की तैयारी ऐप। सही जवाब है ऑप्शन बी, विजय परीक्षा एक योद्धा बने। इंडियन पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर इपग ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग गुजरात सरकार के सहयोग से छात्रों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है, जिसे परीक्षा का दबाव कम करने के लिए छात्रों के लिए विजेता परीक्षा एक योद्धा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हर साल डॉट पर अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 10 मार्च, ऑप्शन डी 12 मार्च। सही जवाब है ऑप्शन ए 20 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। IDH 2019 की थीम हैप्पियर टुगेदर है, जो हमें सामान्य रूप से विभाजित करता है बल्कि इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व व्हाइट हाउस के अर्थशास्त्री और प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन ए पॉल क्रूगमैन, ऑप्शन बी जोसेफ स्टिग्लिट्स, ऑप्शन सी एलन क्रूएगर, ऑप्शन डी गैरी बेकर। सही जवाब है ऑप्शन सी एलन क्रूएगर। व्हाइट हाउस के पूर्व अर्थशास्त्री और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलन क्रूगर का निधन, वह 58 थे। क्रूगर ने राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के अधीन श्रम विभाग में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के तहत 2011 से 2013 तक आर्थिक सलाहकारों की परिषद के अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 9, खुशी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2019 के लिए थीम डॉट है। ऑप्शन ए कोई भी दवा यह नहीं बताती है कि खुशी क्या है। ऑप्शन बी सतत रूप से होता है। ऑप्शन सी साथ में हुआ। ऑप्शन डी हैप्पी यू हैप्पी अस। सही जवाब है ऑप्शन सी साथ में हुआ। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। IDH 2019 की थीम हैप्पियर टुगेदर है, जो हमें सामान्य रूप से विभाजित करता है बल्कि इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, अस्ताना डॉट की राजधानी शहर है। ऑप्शन ए किर्गिजस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी कजाखस्तान, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन सी कजाखस्तान। कजाखस्तान की राजधानी अस्ताना, मुद्रा कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 11, GST परिषद ने डॉट पर नए माल और सेवा कर दरों के लिए एक संक्रमण योजना को मंजूरी दी। ऑप्शन ए शिक्षा सेटअप, ऑप्शन बी बैंकिंग ऋण, ऑप्शन सी घरेलू उपकरण, ऑप्शन डी आवासीय गुण। सही जवाब है ऑप्शन डी आवासीय गुण। GST परिषद ने आवासीय संपत्तियों पर नई वस्तुओं और सेवाओं की कर दरों के लिए एक संक्रमण योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत निर्माणाधीन इमारतों के डेवलपर्स या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना संशोधित कम दरों पर शिफ्ट करने का विकल्प चुन सकते हैं या पिछली दरों पर चिपक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टेक्सास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का नाम बताइए जो 2019 में एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई है। ऑप्शन ए करेनु हलेनबिक, ऑप्शन बी
जैकब अब्राहम। ऑप्शन सी देजी अके वंदे। ऑप्शन डी मारुति अकेला। सही जवाब है ऑप्शन ए करेन हेलेनबिक। टेक्सास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर करेन हेलेनबिक पहली बार 2003 में दिए गए गणित सम्मान एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। 76 वर्षीय विश्लेषण ज्यामिति और गणितीय भौतिकी पर अपने काम के प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13। पिनाकी चंद्र घोष को हाल ही में भारत का पहला लोकपाल या भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल बनाने की सिफारिश की गई थी। वह था डॉट ऑप्शन ए पूर्व सीजेआई, ऑप्शन बी पूर्व सीएजी, ऑप्शन सी पूर्व आईएएस अधिकारी, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के। सही जवाब है ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल या भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल बनाने की सिफारिश की गई थी। 67 वर्षीय जस्टिस घोष जून 2017 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सामाजिक कार्यकर्ता का नाम लें जो भारत के पहले ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बन गए हैं। ऑप्शन ए श्री श्री देवी, ऑप्शन बी गौरी सावंत, ऑप्शन सी सुशांत सेन, ऑप्शन डी प्रदीप दास। सही जवाब है ऑप्शन बी गौरी सावंत। भारत निर्वाचन आयोग ने ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता गौरी सावंत को महाराष्ट्र के 12 चुनावी राजदूतों में से एक के रूप में नियुक्त किया है। गौरी सावंत भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मालदीव की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए मालदीवी अनुरूपिया, ऑप्शन बी मालदीवी अनुरुपये, ऑप्शन सी मालदीवियन बाट, ऑप्शन डी मालदीव डॉलर। सही जवाब है ऑप्शन ए मालदीवी अनुरूपिया। मालदीव रुपिया मालदीव की मुद्रा है और इसकी राजधानी माले है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। एंड आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।